तुम्हारे तरीके के कुछ एंगल मैं आपको शेयर करूंगा, अलग अलग पार्ट्स है, किस तरह आपको ये चीज आ जानी चाहिए, आपको फैसिलिटेट कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेट का पहले करते हैं अपन एक पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, आप एक स्किल को सीखो, ठीक है, सपोज थियोरेटिकली ग्राफिक डिजाइन अच्छे से सीख लो, अलग अलग आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए, आउटपुट आया आपके, 4 महीने आपने पूरी तरह से उसके कंसेप्ट समझे, तो उसमें बार बार विराट कोहली की तरह खेल के गए, जो बार बार नहीं खेल रहा वो पीछे रहने वाला, बहुत पीछे, और ज्यादा बार टीचर के कहे से ज्यादा बार ट्राई करना, खुद की सेटिस्फेक्शन की लिमिट्स बहुत हाई रखना, उससे बहुत जल्दी सेटिस्फाइड मत। तो आपने बार बार जो किए, एंड में एक एम्प्लॉयर आके इसको देखे, वो बताएगा कि क्या आपने जस्टिस किया है, क्या आपने दम है इस फील्ड के लिए। और इंटरेस्टिंगली स्किलिंग एक बड़ी प्यारी चीज है, कोई भी इंसान जो चाह रहा हो नहीं सकता कि उसमें दम रहे, इंसान की चाहत का फर्क हो सकता है। मैंने कल एक ग्राफिक बना के भेज दिया था, तुम लोग में से मैक्सिमम ने देखा भी होगा, एक लड़का था यूसुफ, नाम सुना है यूसुफ डकीच, नहीं नाम सुना, अभी ओलंपिक्स में बिना किसी इक्विपमेंट के जाकर ऐसे गोल्ड मेडल आया, आपको पता है सबको, नाम नहीं पता होगा, इक्विपमेंट ओवर हाइप होती है, फैसिलिटीज ओवर हाइप होती है, हमारे पास ये इक्विपमेंट है ये फैसिलिटी, अरे ट्रेन कैसे करोगे, एक ही चीज है इस दुनिया में ट्रेन करना। सचिन तेंदुलकर को कौन से इक्विपमेंट से ट्रेन किया था, बॉम्बे के उस स्टेडियम में जहां लाखों बच्चा ट्रेन हो रहा है, वहां वो भी एक बच्चा था ट्रेन हो रहा, इक्विपमेंट का फर्क नहीं पड़ रहा, ओवरहेंड होता है। कई लोग कहते हैं यार टीटी का वो रैकेट होता है ना तो मैं कुछ कर लेता हूँ, टेनिस का वो रैकेट इससे बेटर खेल, सब बकवास है। आप बेडरूम में जाकर बोलो मैं 1 मिलियन दे रहा हूँ, मेरे वाले रैकेट का बोल दो फिर इससे खेलना चाहिए, तो बोल देगा क्या प्रॉब्लम उसको, तो ये बोल देगा वो रनर कोका कोला पीने से मैं जीतता हूँ, तुम कोका कोला देना शुरू कर दो पागल, इक्विपमेंट ओवरहेड होते हैं, उस बंदे ने प्रूव कर दिया, अदरवाइज मैं कहता तो तुम्हारी मानते नहीं। हमारे पास कई बार रहा है कोई बोलता है सर मशीन में दम नहीं है तो मैं कुछ कर देता, ये नहीं कोई मानेगा कि मेरे में दम नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाया। मैंने देखे हैं लेपर्ड कवासाकी की बजाज की पहली एड में 286 मशीन पे दौड़ते हुए एनिमेटेड लेपर्ड, 286 में पता भी नहीं होगा क्या मशीन, 286 के सामने जब 386 आई, 486 आई, फिर पेंटियम आया, मेरे को पता नहीं क्या मिल गया। आज भी लोग कहते हैं ये मशीन वो मशीन, नहीं जरूरी इसलिए बता रहा हूँ, कई बार तुम इसलिए सेंटी हो जाओगे तुम्हारी भैया स्लोअर होगी ना, तो स्लोअर नहीं है, अगर आइडिया ही बेकार है अच्छी मशीन क्या कर देगी उसका। और वीएफएक्स आर्टिस्ट का रोल अब मैं समझाता हूँ, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट है सपोज मैंने बोला यार एक दुनिया बना दो, तो पूरी दुनिया बना दो, रेंडर पे लगाई रेंडर नहीं हो रही सर, ये दुनिया को तूने इमेजिन करना था ना, इस मशीन पे कैसे रेंडर हो, कितने तूने मैप्स बनाने थे, वो पहाड़ी पीछे है वो 3D में क्यों है, फोटो लगा ना वहां, दैट इज कॉल्ड ए मैट ब्रेकडाउन, तुम्हें सोचना है ना कैमरा में क्या दिख रहा है, उससे ज्यादा कैलकुलेशन में तुम क्यों करा रहे हो। फिर कंपोजिशन जो होता है लेयर्स का, हर लेयर को अलग रेंडर करते तो कम होती है मशीन की जरूरत, आपने ये दिमाग भी लगाना है, इसके लिए आपको पैसे मिले, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पैसे मिलेंगे, सॉल्यूशन सोचने के नहीं कि सर मैंने तो सब बना दिया, वो हिल नहीं रही मशीन, आपने उस रिसोर्स के हिसाब से सारा बना लेना और अचीव करके देना विद इन दैट डेडलाइन, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच विल ऑफ ऑलवेज गेट योर जॉब। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट बनता है,
समझिए। अब यहाँ आते हैं वापस, तो ये जब आपने बना लिया ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताना कि मेरी मशीन के कारण वो ग्राफिक्स नहीं बन पाए तो मैं बहुत बना दे, एम्प्लॉयर ये नहीं सुनने वाला, एम्प्लॉयर देखते ही पता चल जाता है कि इसमें आइडिया में दम ना, दो चीज होती है ना, आइडिया और एग्जीक्यूशन। आइडिया का दम तो उसको इंस्टेंटली दिख जाता है, जब आइडिया में दम नहीं था तो एग्जीक्यूशन देखी करेगी राइट। तो पहले आइडिया का दम लाना सीखो, दम ऐसे नहीं आता कि आप मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ दम आएगा, आप आइडिया 50 बार सोचना फिर जाके एक दम वाला आइडिया, आप अगर एक बार दो बार सोचोगे तो कोई दम वाला आइडिया नहीं आने वाला, गारंटी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं था जो इतना स्मार्ट था कि एक बार ही में उसके ऊपर दी, अरे इतने हजारों ट्राई किए, एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश करी और हजारों बार फेल होने के बाद उसने कहा, अरे फेल तो नहीं हुआ, मेरे को पता है हजार कौन से मटेरियल जिससे फिलामेंट नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया, तो बचे हुए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तब जाके बनते हैं फिलामेंट। ऐसे नहीं हुआ है, टंगस्टन ही बनेगा बस, सारा मैथ्स बता रहा है टंगस्टन बनाना चाहिए, जाओ बना लो, किस तरह नहीं टंगस्टन में बना फिलामेंट, सिर्फ ट्राई होती है, आप सोचने का काम कम करना करने का ज्यादा करना, ट्राई करो ना यार और इम्प्रूव, ट्रायल पे इम्प्रूव होना ना होना ना तो फर्क बताता हूँ, जो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और जो क्रिकेट सीख रहे हैं ये फर्क है। कई लोग सारी उम्र गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, बोलो ना ट्राई तो कर ही रहा है, लेकिन हर अपने एक्ट का विश्लेषण करोगे तो आएगा। अगर विश्लेषण आपने बाहर रख दिया, एनालिसिस को बाहर रख दिया, आपने सिर्फ करने पे जोर दिया, तो कुछ नहीं होने वाला, तब नहीं ग्रो, उसी जगह पे हिट करोगे बार बार, फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो अप्रोच है ये मैं बता देता हूँ किससे सीख पाया मैं, बिकॉज एक गेम होती है शतरंज, चेस, चेस में एक ही तरीका है, आप गेम खेलो उसके बाद अभी मत खेलो, सोचो कौन सी मूव है। कभी चेस के वीडियोस देखे मैच के बाद, मतलब अभी भी आई डोंट नो, शायद अर्जुन इग्लियासी या मुकेश या कोई अपने इंडिया का बच्चा कालचन के साथ खेला हारा, उसके बाद का वीडियो इम्पोर्टेंट है, दोनों के जाने अर्जुन से बोले बात करते हुए चले जा रहा है, दोनों समझ रहा है मैंने कहा ना गलती करी ओपोनेंट से, ये है मजा चेस। चेस हमें दिखाता है कि दुनिया में कोई भी चीज कैसे सीखनी है, एनालाइज करो फेलियर ठीक है, उसके हमने प्रोसेसेस बनाए हैं ताकि आसान हो जाए, बट समझ के प्रोसेस क्या है दुनिया में इंप्रूव होने का, सिर्फ करना नहीं हर करने को एनालाइज, गॉट इट। सो एनालिसिस को बाहर मत दो, यानी तुमने जब किया होगा सो एक टॉप डिजाइनर आके तुम्हारा काम देखेगा फिर बताएगा, सपोज ये 20 बच्चे हैं, इनमें से ये 5 बच्चे हैं जिनमें कोई स्पार्क देखा, वो बता देगा, और इस पे कोई सेंटी नहीं होने आप, क्योंकि आप बचे हुए 15 में होने की चांस 75% है, लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं फिर छोड़ दिया, अरे तो इंजीनियरिंग में तुम्हें कोई औकात नहीं है, तुम पूरे 8 से 8 सेमेस्टर कर लेते हो, वहां नहीं हर सेमेस्टर के बाद अपने आप को जज करते, यहाँ तुम्हें फीडबैक मिल रहा है प्लीज कि आप किस फील्ड के लिए तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो, अब दो ही तरीके हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना लो या अगली चीज पे एटलीस्ट ज्यादा मेहनत करो ठीक है, तो दो चीजें होती है। तो 5 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए, तो 15 वो अगली चीज जैसे फिल्म मेकिंग करने गए, लेकिन हमने बड़ा डिफरेंट कर दिया, वो 15 में से आप अगर चाहो तो कोई और भी दिशा ले सकते हो, वेब मार्केटिंग कर लो या डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, आप यूएक्स में चले जाओ ठीक है, कई दिशाएं हैं जो पॉसिबल है, लेकिन ये जो 5 है इनकी स्थिति बड़ी मजेदार है, ये चाहे तो ग्राफिक्स में लेवल अप कर सकते हैं ठीक है, चाहे तो ये लेवल अप को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए और कहीं और जा सकते हैं ठीक है, लेवलिंग अप की जगह कहीं और गए और बाद में आ गए,
ये सब कर, मतलब पहले ये कर लिया और बाद में डेवलप कर लिया, इस तरह कई पॉसिबिलिटी है. गॉट इट? सो वी वर हियर दैट पीपल कैन मूव टू एनी पार्ट. दीज पीपल हैव, जिनको उसने चाबी दी है, दैट की इज देयर, दे हैव द की टू अपस्केल, एंड दे कैन यूज द की राइट अवे लेटर और नेवर. इज देयर चॉइस, लाइक गेम में होता है, तुम चाबी इकट्ठी करते हैं. सो हर एक में जो जो टर्न करे, वी कैन गेट ए की एंड सो ऑन, राइट? So, these keys when you collect and then decide what key you want to use at the end. After discovering yourself on the base level. Level 1 पे मैंने अलग, जैसे होता है स्पोर्ट्स में अलग अलग गेम्स खेली, फिर मैंने डिसाइड किया कौन सी गेम में करियर बनाना, उसको मैंने डी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच ऑल्सो गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने करियर को जैसे भी स्ट्रक्चर करना चाहो कर सकते. This is a flexibility which has been missing in this world. कि अपने हिसाब से सीख सके, लेकिन हमने उतने पे ही किया, उससे ज्यादा कुछ चीजें कर. सबसे बड़ी चीज है पीयर लर्निंग, दूसरी चीज है एडेप्ट मेथडोलॉजी. ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट. एंड देन अभी रिसेंट में हम इसको ट्राई कर रहे हैं, शुहारी, ये भी समझो. ठीक है, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट पीयर लर्निंग. पीयर लर्निंग इज जब आपने एक असाइनमेंट बनाई क्लास में, आपको असाइनमेंट मिली सैटरडे को, मोस्ट वो एडेप्ट के हिसाब से. सो सैटरडे वी हैव केप्ट एज अ मेन डे सो दैट एवरीबॉडी हु इज वर्किंग और लर्निंग एल्सवेयर कैन आल्सो लर्न. सैटरडे को आपने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी मेन असाइनमेंट आपको मिली. You worked on it on Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. आप आए खुली कर, आपने वो assignment share कर सबके साथ और आपको सबसे feedback मिला. ठीक है, इसको और समझना होगा कैसे होता है. जैसे आपको मैंने बोला स्किल का लोगो बनाओ, सारों ने बनाया. What happens is when you are being with the assignment for 3 days. सपोज मैं आपको बोलूं कि दिनेश फोगाट के बारे में स्टडी करो, आया आपको क्या पता है दिनेश फोगाट के बारे में? कुछ नहीं पता. पता है ना दिनेश फोगाट? चलो आज गोल्ड के लिए लड़ेगी रात 11 बजे के. ठीक है, गोल्ड की उम्मीदें बहुत कम है हमारे पास, उन्हीं से एक हो. तो विनेश फोगाट के बारे में पता करने को बोलना, तो आपको उतने पता है जैसे अभी आप. तो आप 3 दिन जब रिसर्च करते हो सब कुछ जान जाते हो, कहाँ वो ट्रेनिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो 3 दिन बाद अगर मैं बोलूँ विनेश फोगाट की प्रेजेंटेशन जो आपने करने की कर, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, फिर जब इनकी प्रेजेंटेशन देखते हो आपको चीज और ये मेरी नजर नहीं पड़ी. सो मजा क्या है, जो भी असाइनमेंट कर चुके होते हो आपकी नॉलेज उस एरिया के बारे में डीप होती है उस समय. टेम्परेली बोल रहे जो बोलो उस समय हाई होती है, तब आप औरों को भी फीडबैक दे सकते. तो आपने इनके असाइनमेंट देखिए, आपको लगा है मैंने ये देखा था, इसको नहीं पता पिछले ओलंपिक में क्या हुआ, उसके साथ चोट लग गई थी, पाई थी, छोड़ना पड़ा था, ये आप उसको बोलोगे. इसी तरह ये आपको कुछ बताएगा यार, वो तो जंतर मंतर बैठे थे इतने देर, तुम्हें पता नहीं. समझ रहे हो, जब हम असाइनमेंट करते हैं उसके इमीडिएटली बाद एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि हमने उसको बहुत मेहनत करी. तो वो आदमी नहीं दे सकता इसलिए मेहनत नहीं करी, वो कुछ नहीं करते, कोई फीडबैक नहीं दे पाए यूजफुल. तो आप अपने 4-5 साथियों को फीडबैक दो और आपको उनसे फीडबैक मिलेगा, इसी तरह आप जाते
और आपका क्या अच्छा है, दोनों चीजें। तो यू हैव डन समथिंग ग्रेट, वो भी पता चलता है आपको। सो गॉट इट? सो यू आर एबल टू गिव फीडबैक एंड रिसीव फीडबैक बिकॉज 3 days यू आर इमर्स्ड इन दैट एरिया। ये बस जरूरी है। इफ यू आर नॉट इमर्स्ड तो आपकी एबिलिटी टू गिव फीडबैक लो है, और एबिलिटी टू रिसीव फीडबैक भी लो है। क्योंकि आप इमर्स नहीं हो तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। सामने अगर आपको फॉन्ट का यूजेज ठीक कर थोड़ा इसलिए सुनिए पूरे दोस्त भी नहीं तो ऐसे की भी जाते हैं। ठीक है, जब आप इमर्स तो एक एक को ध्यान से सुनिए। सो आपकी नॉलेज इवन विदाउट द फैकल्टी एंट्रिंग टू द सिस्टम एनहांस हो जाती है। सो दो चीजें आप सीख रहे हैं, एबिलिटी टू गिव फीडबैक, एबिलिटी टू गेट फीडबैक। ये एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं अभी असाइनमेंट चल रही है, बट आप फीडबैक देना सीख रहे हो, फीडबैक लेना सीख क्या बन रहे हो आप मैनेजर। क्योंकि फीडबैक लेने सबसे मुश्किल होता है, इमोशनल हो जाता है, तो वो इमोशन सही में रखना भी सीख रहे हो। क्योंकि पहली बार इमोशनल दूसरी बार उन्होंने फाइट कर दिया, इमोशन तो साइड में रखना सुने क्या बोल रहा है। पहले 2-4 दिन के बाद आप वो सेंटिमेंट्स भी साइड रख पाते हो। सो प्रोसेस ये इंश्योर कर, उस दिन एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली आपको ट्यूजडे को, तो ट्यूजडे को टीचर ने और पर्सपेक्टिव दिया उसी टॉपिक, नया एंगल दिया। ठीक है, कोई केस स्टडी दे दी, फलाने पहलवान को कल स्टडी कर दी उसकी जगह, फिर मुझे अच्छे दिनेश ने क्या इसको भी बहुत मुश्किल लग रही फलाने की तरह इसकी जगह, तब आपको और पर्सपेक्टिव मिला। तो नए पर्सपेक्टिव और नए फीडबैक के साथ आप इस सेंड को फिर से करते हो। अब रोज कर रहे हो, पहले 3 दिन मिले, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के अंदर आपने अचीव करनी है सॉलिड स्टेट। बाय फ्राइडे एवरीबॉडी वुड हैव डन, क्योंकि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, सीख रहे, सबको फीडबैक दे रहे हो, सबसे फीडबैक ले रहे हो, तो आप मिलकर सीख। लोग कोहोर्ट वर्ड बहुत यूज करते हैं इस दुनिया में, लेकिन हमने कोहोर्ट को सिस्टमाइज कर दिया। सिस्टम के अंदर है कि आप फीडबैक दोगे। That is why you will be very different from any student passing out from anywhere in India or maybe the world. Just do it religiously, मतलब शिद्दत से करें, frivolously कभी मत करना इस चीज़। Feedback देना एक बहुत बड़ी responsibility है, इसका मजाक नहीं है। हमेशा बहुत seriously, जितना आपको समझ आता है उतनी detail, ऐसे नहीं कि दो नया very good नहीं, वो नहीं चीज़। बेटर बनी ऐसे करते हो, ऊपर जा रहे हो। एंड एक इंसेंटिव भी इस पर ही बिल्ड किया हमने कि थर्सडे तक असाइनमेंट कर दो, फ्राइडे छुट्टी मारने तो मार लो, अगर थर्सडे बहुत सॉलिड थिंग बहुत सॉलिड करो लोग तो बड़ी लगाने वाले, लेकिन बहुत सॉलिड कर लो तो फ्राइडे आपका है, लेकिन आपका चॉइस, आप जाके एंजॉय करना है फ्राइडे कर लो, या आप सोचते हो फ्राइडे में आप सबको गाइड करो, सबकी असाइनमेंट वहां तक पहुंचाओ, वो भी डिसाइड कर सकते हो। टीचर का साथ दे रहे हो, अब इस तरफ से हेल्प करो, अगर टीचर ने कह दिया कि बेस्ट पे पहुंच, उससे तो अपने आप का लेवल बहुत एलिवेट कर। अब शुहारी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जापान की एक टेक्निक है। वो कहते हैं कि शु का मतलब होता है कि जितने रूल तुमने सिखाए हैं उनके हिसाब से काम को कर, रूल कभी नहीं तोड़े। तो पहले दिन तुमने यही कर, जो जो रूल बनाए उसके हिसाब से। अगर शू पे बहुत अच्छे हुआ तो टीचर तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है, एक एक्स्ट्रा राइड दे सकता है टीचर कि भाई तुम आगे चले जाओ। यानी कि क्लास में सपोज 20 बच्चों में से एक बहुत ही सॉलिड है, तो ट्यूसडे को ही वो शू से हाफ चला गया, यानी कि एक बच्चा ये शू हारी जो है, ये 20 बच्चे यहां थे पहले थे सैटरडे को, तो ट्यूजडे को यहाँ 19 रह गए, एक हाफ चला गया, तो बहुत रेयर हुआ। यानी कि उसने सारे रूल्स फॉलो कर लिए, मुझे रूल वाइज कोई प्रॉब्लम,
अभी मुझे वो क्रिएटिविटी से थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी पहले स्टेप पे मैंने क्रिएटिविटी का नहीं डिमांड किया, बस कर लो। तो हाँ वाला एक बंदा है और जो बोले उनमें से फिर से जब रिवाइज करेंगे विद द ऑल द फीडबैक सबकी कोशिश होगी शुरू से हाफ में आना, हाफ से नहीं बेटर। सो हाँ में क्या होता है, यू आर एबल टू डू मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत रूल्स तोड़ सकते वो हाँ पे, तुम्हें वो राइट मिलना चाहिए रूल्स तोड़ने। लेकिन देश के रूलर को राइट होता है रूल्स तोड़ने का, लेकिन वहां तक का राइट बड़ा मुश्किल है। देश का रूलर बनने का राइट मिलना बड़ा मुश्किल है। और रीटेक तुम अपने नए रूल्स बना सकते, री रेयर बंदा पहुंच गया, जो री पे पहुंच गया वो अपने रूल सेट बना। अगर वो बोला वाइट स्पेस देने, मैं बिना वाइट स्पेस से दिखा दूंगा उसको अच्छा। देखिए पहली बार तो वाइट स्पेस से बात की, राइट? जापानी ये मानते हैं, ऑल्दो ये लंबी पद्धति है, हमने वीक के अंदर कहा वीक के अंदर होगा नहीं मोस्ट, पर अगर होगा टीचर बोलेगा क्लास में ये पहुंचा, अदरवाइज ये उम्र भर की है क्लास। इतने सॉलिडली रूल्स पकड़ लिए कि मैं मॉडिफाई करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, कि अपने रूल बनाना होता है जैसे पिकासो के लेवल पर पहुंच गया। पिकासो लेवल क्यूबिज्म है, अलग चीज ये पहले नहीं रहे, ये दुनिया को नए स्टाइल दे रहा हूँ पेट से, वो होता है री। सो री क्लास के अंदर पहुंचना इम्पॉसिबल होगा, व्हाई नॉट ट्राई? क्लास में नहीं पहुंचता कि उम्र में पहुंचे, somewhere in your life you can do that, but वो करने के लिए shoe बहुत strong, यानी कि पहले rule set के हिसाब से चलना पूरा, right? And the other part, the peer मैंने explain कर दिया, adapt को थोड़ा समझा देता हूँ। So adapt methodology use कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये system रखा है। और इसीलिए system रखा है, adapt बिना पांच पार्ट है ए डी बी पी टी मोर और लेस, मैं अभी उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, बट आज मैं समझाता हूँ ये पद्धति हमें मिल जाती है सिर्फ ये, क्यों यही है क्योंकि बनाई जा रही। इसमें टी होता है फिर सीखने की पद्धति, टी मतलब फिर। सो कोई भी चीज करने की थ्योरी होती है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल खेलने की थ्योरी हो, चाहे वो सच बोलने की थ्योरी हो, चाहे सच बोलना है सही रहे, एक थ्योरी आती है सच बोलना सही, इसको कहेंगे फिर। हमने कहा इसका डेटा सेट था, राइट? वो डी है, तो थ्योरी हो गया टी। अब आ गया डेटा सेट, डेटा सेट किसको कहते हैं? तो भाई रामायण में देखो ये टाइम पे फलाने ने सच सच बोला था, वो डेटा सेट यानी कि एक लाइव एग्जांपल। तो हम भाई ये लोगो ऐसे बनने चाहिए, अच्छा दिखाओ जी कैसे किस किस से बनाया ऐसे, दैट इज अ डेटा सेट रेफरेंस पॉइंट केस स्टडी, ठीक है? हमने वही प्लान किया कि सैटरडे को सारी थ्योरी समझ ली, डेटा सेट अपन ने ट्यूजडे को हासिल, पहले नहीं हासिल किया ताकि पहले बार अपनी मर्जी का करो, फिर डेटा सेट को रेफरेंस करके फिर से, ठीक है? तो डेटा सेट देखिए, एग्जांपल देखिए उस सेम चीज। अब क्या होता है, देखा थ्योरी तो यार ये लिखा था, लेकिन इधर तो कुछ और चल रहा है इस डेटा सेट में, जैसा बोला था वैसा तो नहीं है, राइट? तो तुमने उस थ्योरी को, अब ये था जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में एनालिसिस, क्योंकि हर टाइम तुम साथ साथ एनालिसिस कर रहे हो, तो तुमने कहा यार थ्योरी में वो लिखा था, डेटा सेट के हिसाब से मेरी ये थ्योरी बन रही है, लेकिन मजा ये है तुम्हारे साथ में की अलग बन रही है, सेम डेटा सेट सेम थ्योरी के साथ उसने कुछ और समझा इसी को। एंड देन हम इस अंडरस्टैंडिंग को ले लिया हमने, अब हमने प्ले शुरू किया, पीस ऑफ प्ले, कई लोग प्रैक्टिस भी बोलते हैं लेकिन प्ले मतलब उसे खेलना है इस थ्योरी के साथ। हमने देख लिया लोगों ने क्या किया, क्या चीज हुआ, तो अब हमने उस थ्योरी के साथ खेलना शुरू, खेलेंगे कैसे,
नून लोगों के साथ, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ। ठीक है, जैसे सच बोलने की चोरी को अपन सबसे पहली बार कहाँ खेलते हैं? पेड़ के साथ, भाई बहनों के साथ। तो सुना था बॉस लिखा तो कुछ और था, वैसे नहीं चलती, ऐसे ही होता है ना। पेड़ सच बोला, ऐसे तेरे रामायण में लिखा सच बोला, मुझे कह भी दिया, मैंने मान भी लिया, मैंने बोल भी दिया, लेकिन तो उल्टा पड़ रहा है। क्या करते हैं अपनी आप थ्योरी फिर से एनालिसिस और फिर थ्योरी को मॉडिफाई किया। सारी लाइफ ऐसे जीते हैं, बहुत सारी थ्योरी माइंड में होती है, बहुत सारे डेटा सेट होते हैं, हम अपनी थ्योरी रिवाइज करते हैं बार बार, तो वो थ्योरी रिवाइज हो फाइन। उस थ्योरी को रिवाइज किया प्ले के बाद, अब आई असली दुनिया, क्योंकि दोस्तों सच बोलना गलत चीज है और दुनिया में सच बोलना गलत चीज है, उसको दुनिया में एक्सपीरियंस। इसके बाद आदमी तैयार होता है, जब उसी थ्योरी को जब इंप्लीमेंट करता है, उसकी ये फाइनल सी एक थ्योरी बन जाती है कि दुनिया में ऐसे करते हैं। ऑब्वियसली हर थ्योरी रिवाइज होती रहेगी जिंदगी भर, लेकिन एक्सपीरियंस लेने तक वो थ्योरी बस फांसी है। सो गॉट इट? ये पद्धति हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि धीरे धीरे तो एक्सपीरियंस आपके इवन वो जो आते हैं मेंटर्स उनके थ्रू आता है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बट फाइनली तो जब आप करोगे रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस, तब एक्सपीरियंस आए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे। तो इसलिए अपने असाइनमेंट को हमेशा जितना रियल वर्ल्ड का मिलो उतना अच्छा है, उस असाइनमेंट को करो उतनी मेहनत से, क्योंकि जितनी भी मेहनत तक तुम ले जाओगे फिर उसके आगे का ब्रेक थ्रू मिलेगा ना। अगर तुमने अपनी आधी मेहनत लगाई तो वो ब्रेक थ्रू आई नहीं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ तक कैपेसिटी, तुम यहीं तक ही अटेम्प्ट मार रहे हो, तो ग्रोथ की जगह नहीं है। टॉप हिट करोगे हर बार अपना बेस्ट, तो वहां से एनालाइज करके ब्रेक थ्रू लोगे और ऊपर जाओगे। अगर अपना बेस्ट हर बार नहीं करते हो, तो इससे काम चल जाएगा, तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ के लिए भी और अदरवाइज भी अपनी लाइफ के लिए यूज करो, ठीक है। इसीलिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। इसी तरह टीचर्स के लिए कई बार स्ट्रगल भी होता है, क्या एक हफ्ते में नहीं होता, वो उसके वर्क अराउंड निकालते हैं, लेकिन स्टाइल वही रहेगा कि आप इंक्रीमेंटली ग्रो हो विद इन दैट। अगर फैकल्टी 2 वीक्स सुनता है तो विद इन 2 वीक्स, ठीक है, और हर बार जो आदमी सीखेगा उस साथ वाले जो नहीं सीख पाए उनको सिखाता है, उनको भी साथ लेकर आए, कि जितना नॉलेज क्लास के अंदर होगा वो सभी को ग्रो कराए, तो जितना नॉलेज छुपाया जाएगा उस सभी को डाउन आएगा, तो नॉलेज जितना हो सके शेयर। आई थिंक मैंने 3 चीजें कवर करनी थी, कुछ होता है हाँ वीडियो देख, ठीक, मेरे को अपना फोन लाना पड़ेगा, मैं यूट्यूब से एक मैसेज में भेजूंगा उस वीडियो को लगाएगा, ठीक है, मैं अभी रैंडमली कोई सिलेक्ट करूंगा।